हेलो फ्रेंड्स, तो ये रियलमी 2 प्रो है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको कांटेक्ट आपका जो सेव होता है वो फ़ोन मेमोरी में सेव होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप उसको जीमेल आईडी में किस कैसे सेव कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने एक नंबर टाइप किया है, आपको एक नंबर सेव करना है। ये नंबर अगर आपको सेव करना है तो आप क्रिएट न्यू कांटेक्ट में जाएंगे और फिर आप यहाँ पे नाम डालिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाम डाला है और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन फ़ोन मेमोरी है। तो इसको आप जीमेल, अगर आप इस नंबर को सेव करोगे यहाँ से तो ये फ़ोन मेमोरी में सेव होगा। तो इसे जीमेल, अपना जीमेल आईडी में कैसे सेव किया जाए, इसके लिए स्टोरेज लोकेशन पे आप क्लिक करिए। तो स्टोरेज लोकेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन मेमोरी सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जीमेल, जो आपका जीमेल आईडी है वो भी ऑप्शन आएगा यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने 2 जीमेल आईडी इस फ़ोन में एंटर किए हैं पहले से, 2 जीमेल आईडी पे ये रन होता है। तो आपको जो जीमेल में सेव करना है वो आप सिलेक्ट करिए अपना। सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो है आपका नीचे देख सकते हैं, मैं अपना जीमेल आईडी ऐड किया हूँ, ये देख सकते हैं स्टोरेज लोकेशन जो पहले लास्ट में आप देख सकते हैं, जो पहले फ़ोन था वो अब आपका जीमेल आईडी आ जाएगा वहाँ पे जो आपने सिलेक्ट किया था। तो अब इसके बाद आप यहाँ पे जाइए, आपने नाम डाल दिया है, सरनेम जो डालना है, अब इसे सेव कर दीजिए। तो ये देखिए, ये नंबर सूरज नाम से सेव हो चुका है और ये जीमेल आईडी आपके गूगल आईडी में सेव हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इसका स्टोरेज लोकेशन फ़ोन मेमोरी में आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये गूगल में सेव हुआ है आपके जीमेल आईडी में ये नंबर। तो अगली बार जब ये सिंक होगा आपके मोबाइल में, जैसे नेट चालू रहता है तो आपने अगर सिंक ऑन रखा है, कॉन्टैक्ट सिंक, तो ये अपलोड हो जाएगा आपके जीमेल आईडी पे।